हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, वेल्डर सीआईटीएस की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग अगर देख लेते हो तो इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका मन करता है कि बुक को भी थोड़ा बहुत खोल के देख लिया जाए तो आप देख सकते हो। लेकिन अगर ये एक दो बार वीडियो देख लेते हो तो 100% आपको काफ़ी 75 में से क्वेश्चन काफ़ी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इन क्वेश्चन से। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना आपके जो भी यार दोस्त चाहने वाले हों। और हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन का कोई साथी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और वो फिटर वाला, तो उसके लिए भी हमने मैराथन क्लासें यूट्यूब पर डाल दी हैं, तो आप हमारे वहाँ चैनल पर जाकर उन क्लासों को देख सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ हम जल्दी जल्दी से करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट, और इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है। और आप ये पीडीएफ चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम व्हाट्सएप की, तो टेलीग्राम पर मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और बात करेंगे कि दोस्तों इसके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए भी मैं आपके लिए क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तभी हमारी क्लासें आपको पल पल की अपडेट मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करेंगे शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या विद्युत आर्क वेल्डिंग में खतरे का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो हमें बताया। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है वो जगह अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। ये मैराथन क्लास है, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, लगभग 200 क्वेश्चन तक। नीचे दिए गए वेल्डिंग प्रतीक का अर्थ बताना है, ये कौन सा प्रतीक है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरे का, इसे बोलते हैं सभी तरफ वेल्ड, इसलिए इसका दूसरे क्या हो जाएगा, दूसरे का आप लोग लगा दोगे क्या, सी। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार की नीली नाली जो है दर्शाई गई है? तो किस प्रकार की नाली दर्शाई गई, तो आप बता देंगे इस डायग्राम को देख के क्या बोलेंगे, ये जो है, एक मिनट। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग अगर तीसरे का लगा रहे हो वेवल नाली, ये क्या हो जाएगा था फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आर्क को काटने के दो तरीके हैं, कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं। तो कौन से हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा चार का वो होती हैं स्क्रैप और स्टेप। ठीक है, स्क्रैच और स्टेप, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक वेल्ड जोड़ का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो हो जाएगा, यानी कि वीड। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में वेल्ड जोड़ में क्या त्रुटि है? तो क्या त्रुटि है वो हमको बतानी है। तो छेड़े का जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो है सी, कम कटा हुआ। ठीक है, कम कटा हुआ, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये नीचे दिए गया चित्र वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड के चालन के तीन विभिन्न मार्ग दर्शाता है, इस चालन को क्या कहा जाता है? देख सकते हैं ये रहे वो मार्ग। ठीक है, तो बताना कौन से हैं ये रहे, तो बताइए इसका सही आंसर 8वें का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फैले हुए। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे टिलीन खाली स्थान से अधिक दबाव पर स्थिर हो जाता है, तो कितने पर स्थित हो जाता है? तो आप लोग कह देंगे सर ये जो होता है वो हो जाता है 15 PSI पर हो जाता है। आगे देखेंगे, बाईं ओर से गैस वेल्डिंग तकनीकी खाली स्थान तक की मोटाई वाली नरम स्टील प्लेटों के लिए प्रयोग की जाती है, तो कितने से की जाती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 9वें का वो हो जाएगा 5.0 mm होता है। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे हमारा क्वेश्चन, वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्ड किए गए जोड़ की दूसरी ओर से वेल्ड क्या है वो हमें बतानी है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा वेग गर्तन। ठीक है, सी ऑप्शन। इसका 10 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 10 का हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आगे देखेंगे 11। गैस कटिंग में खाली स्थान अधिक होने से खुरदरे धार के साथ असंपूर्ण काट देता है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, वह जो हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि गति। ठीक है, गति इसका सही ऑप्शन 4th वाला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कार्य सतह से वेल्ड बीड के ऊपर तक की दूरी को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सही ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो हो जाएगा शुद्धिकरण, बी ऑप्शन। इसका भी सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। और साथियों, इन क्वेश्चन से आपका बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता था मैं वेल्डिंग की मतलब करवाऊं मैं, क्योंकि मेरा जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। काफ़ी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कमेंट आई सर हमारे लिए भी करवा दूँ, तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है वो निमी का है, DGT का, वो भी CITS वाला, ये ITI वाला नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ चुपचाप इस वीडियो को देख लो एक दो बार कान में ईयरफोन लगा के, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ये मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बना रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना, कोई लोग फालतू कमेंट करें कि आप लोग बता रहे हो आंसर ही आंसर, तो मुझे नहीं मालूम बिल्डर के बारे में, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ बना दी वीडियो। काफ़ी कमेंट आई, मैं नहीं चाहता भले एक स्टूडेंट का फ़ायदा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं,
ये सिर्फ दो लोगों के लिए मैंने वीडियो बना दी, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। चलिए, और जो लोग देख रहे हैं दो लोग, वो लोग कमेंट कर देना, ठीक है, जिनके लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, POR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो POR का फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, ये बी वाला सही हो जाएगा। प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आग बुझाने के लिए अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, खाली स्थान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो 14 का आप लोग बोलेंगे उसका होना चाहिए आग को ठंडा करने के लिए ऊपर तथा नीचे चलाना, वो आग के आधार की ओर केंद्रित होना चाहिए, ए ऑप्शन इसका 14 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। जब वेल्डिंग मशीन की पावर स्विच ऑन स्थिति में होता है तब उपस्थित वोल्टेज, परंतु कोई वेल्डिंग नहीं हो रही हो, खुला सर्किट वोल्टेज, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ऑप्शन 15 का। अगर कोई संशोधक अपनी खाली स्थान क्षमता के लिए जाने जाते हैं तो किसके लिए जाने जाते हैं वो हमें बताना है। तो 16 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि एसी को डीसी करंट में परिवर्तित करना, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसी को खाली स्थान के विरुद्ध कभी भी सीधे काटना अथवा वेल्ड नहीं करना चाहिए, तो इस किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कंक्रीट, यानी कंक्रीट क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 17 का कंक्रीट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है 18 नंबर। वेल्डिंग तथा शीतलन के दौरान कार्ब स्टील में वट वेल्ट जोड़ सीमित किया गया है, वह खाली स्थान होगा, तो क्या होगा वो हमें इसमें बताना है। तो 18 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि वो है उच्च अवशिष्ट तनाव, सी ऑप्शन। आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका प्रयोग रेगुलेटर सिलेंडर तथा गैस कनेक्शन के साथ कभी नहीं करना चाहिए, तो किसका नहीं करना चाहिए वो हमें बताना है। तो 19 का आप लोग बोल दो सर हमें तेल का नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे, इनमें से किस धातु या में से धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो किसका होता है वो हमें इसमें बताना है। तो आप लोग कहेंगे सर इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है चारों ऑप्शन में से, वो कह देंगे ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यानी कि तांबा। आगे देखेंगे, आगे वेल्डिंग स्थिति में पैरामीटर्स के परिभाषित की जाती है जो खाली स्थान है, तो उसे क्या बोलते हैं? इसका राइट ऑप्शन जो है उसे बोलते हैं वेल्ड ढलान तथा वेल्ड घुमाव, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 21 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में सिलेंडर की क्या प्रणाली दर्शाई गई है? ये देखते हैं सिलेंडर, इसकी क्या प्रणाली दर्शाई गई वो हमें बतानी है। तो आप लोग कहेंगे सर इसका जो प्रणाली है वो हो जाएगा डी, यानी कि विविध प्रणाली, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, 22 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? नीचे दर्शाए अनुसार ऊपर से सही क्रम में ऑक्सीस्टीन लोक को नाम दें, तो कौन सा नाम है वो हमें बताना है। तो आप लोग कहेंगे सर इसे जो बोलते हैं इसे बोलते हैं सी ऑप्शन, यानी कि तटस्थ ऑक्सीकरण और कार्बोरेटर, यानी कि इसका सी ऑप्शन 23 का सही ऑप्शन, 23 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इनमें से क्या ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में वेफ फायर का कारण नहीं है, तो किसका नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से जो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो है गैस दबाव सेटिंग उच्च है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए चित्र में किस प्रकार का जोड़ दर्शाया गया है? तो ये आप देख सकते हो, इसमें बताना कौन सा दर्शाया गया। तो 25 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, धार जोड़, यानी सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस प्रकार के इलेक्ट्रोड नमी को आसानी से सोख लेते हैं? तो किस प्रकार के सोख लेते हैं? 26 का हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल लेपित इलेक्ट्रोड, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वेल्डिंग में विरूपण को नियंत्रित करने के ये तरीके हैं किसके सिवा वो हमें बताना है। तो 27 का हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, इसकी वेल्डिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक धातु रोशनी प्रतिबिंब करती है और चमकदार दिखाई देती है, यह कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है वो हमें बताना है। तो 28 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा 28 का वो क्या हो जाएगा? आप लोग कहेंगे सर एक मिनट, तो आप लोग डी ऑप्शन लगा देंगे, क्या इसमें चमक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 28 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। उस धातु का कुछ भाग जो पिघला नहीं है परंतु उपका सूक्ष्म भाग वेल्डिंग के ताप के कारण परिवर्तित हो गया है, उसे खाली स्थान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है वो हमें बताना है। 29 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ताप प्रभावित क्षेत्र, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, धातु आधार धातु को पहले गर्म किए बिना यदि कास्ट आयरन को वेल्ड किया जाता है
तब किस त्रुटि को संभावना है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 30 का हमारा सही ऑप्शन बी, दरारें। सिर के ऊपर की स्थिति में वेल्डिंग करते हुए खाली स्थान का प्रयोग करना सर्वोत्तम है, तो किसका प्रयोग करेंगे ये आप लोग आसानी से बता सकते हो। तो आप लोग कहेंगे किसका प्रयोग करेंगे, सिर के ऊपर हेलमेट का प्रयोग करेंगे, किसका, हेलमेट का। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 31 का अगर आप डी ऑप्शन लगा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या है वो भी हम इसी, देखो इन क्वेश्चन से मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या है, निमी के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, इतना ज़रूर मैं आप लोगों से कहता हूँ। तो इसलिए बस चुपचाप इस वीडियो को शांति से देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 mm मोटी प्लेटों की आर्क वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ी तैयारी क्या होगी, तैयारी क्या होगी वो हमें बताना है। तो 32 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, एकल बी वट जोड़, बी ऑप्शन। चलिए नीचे क्वेश्चन ये रहा, दिए गया चित्र सीधे करंट या आर्क वेल्डिंग होना दर्शाता है, आर्क में विचलन होता दिख रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है। 33 का हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 33 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, आर्क आघात। चलिए आगे देखते हैं। MIG वेल्डिंग में वेल्डिंग तार की नोजल के अंत से वेल्डिंग तार परियोजनाओं की दूरी को खाली स्थान कहा जाता है, वो उसे बोलते हैं स्किट आउट, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं, नीचे दिए चित्र में दर्शाई की प्रक्रिया के विषम में क्या सत्य नहीं है, तो ये आप पहले देख लो डायग्राम, अब हमें बताना कौन सी सत्य नहीं है। सही ऑप्शन 35 का आप लोग अगर लगा रहे हो बी ऑप्शन, इलेक्ट्रोड पीतल के बने होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग कहेंगे बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है, किस में नहीं होती है, तो वो होती है प्रतिरोधी वेल्डिंग में नहीं होती है, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, आगे थर्मेट वेल्डिंग में खाली स्थान के मिश्रण से ताप उत्सर्जित होता है, तो किसके द्वारा होता है वो हमें बताना है। तो 37 का हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, GTAW में आर्क को बिना आधार धातु के छुए आरंभ करने के तरीके को खाली स्थान कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे इसे हम जो कहते हैं 38 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, 38 का आप लोग क्या लगा दोगे, बी ऑप्शन। चलिए 38 का बी, यानी कि उच्च आवृत्ति आरंभ। आगे देखेंगे 39 नंबर, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई वेल्डिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर एकदम सही हो जाएगा, जल मग्न आर्क वेल्डिंग, ठीक है, बी ऑप्शन 39 का हो जाए क्वेश्चन नंबर 40। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के विषय में क्या सत्य है, तो 40 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, एक मिनट, ये वाला, इस प्रक्रिया में प्रयुक्त फ्लक्स में उच्च विद्युतीय प्रतिरोधकता है, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली दो अक्रिय गैसें हैं, तो जो दो अक्रिय गैसें हैं आमतौर पर वो कौन सी होती हैं, आप लोग कह देंगे सर वो होती हैं हीलियम और आर्गन, हीलियम आर्गन एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, टंगस्टन का खाली स्थान 1% से 2% जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बढ़ जाता है, तो किसका बढ़ जाता है, आप लोग कहेंगे सर ये जो है उसका थोरियम का बढ़ जाता है, थोरियम का, ठीक है, बी ऑप्शन, 42 का बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, वेल्ड पुल को नियंत्रित करने के लिए नीचे दिए गए अनुसार इलेक्ट्रोड को एक ओर से दूसरी ओर ले जाया जाता है, इस प्रचालन को खाली स्थान कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बुनाई कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, बुनाई। नीचे दिए गए चित्र में फ्लैट फील्ड की दर्शाने का वाला प्रतीक कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये प्रतीक कौन सा हो जाएगा, 44 का बोल देंगे आप, प्रतीक बी है, बी, ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 44 का। आगे देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा, नीचे दिए गए वेल्ड बीड में पिघला हुआ धातु मूल धातु पर फैल गया है, इस त्रुटि को कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 45 का बी ऑप्शन, अधिव्यापन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जिस तत्व का स्टील की मेटलर्जिकल संयोजता पर उच्चतम प्रभाव है वो खाली स्थान क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 46 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कार्बन, क्या हो जाएगा इसका, कार्बन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 46 तक हो चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, अंतिम वेल्ड किए जाने तक उचित
संरेखण में वेल्ड में वेल्ड के हिस्से को पकड़ने के लिए बने वेल्ड को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 47 का, जो हमारा सर 47 का सही ऑप्शन रहेगा डी, यानी कि टैक वेल्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ईजोड तथा चर्पी मशीनों का संबंध है, संबंध जो है किससे है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 48 का ए ऑप्शन, प्रभाव जांच से है। ठीक है, प्रभाव जांच। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एस ए डब्ल्यू में उत्पन्न स्लैग एक अच्छा है, तो कौन सा हो जाएगा सबसे अच्छा स्लैग, वो हो जाएगा बी, विषम वाहक। चलिए, आर्गन गैस से भरे सिलेंडर का रंग जो कैसा होता है, तो आर्गन गैस से जो सिलेंडर भरे रंग होता है उसका कैसा हो जाता है, 50 का हमारा सही ऑप्शन है डी, फिरोजी होता है। ठीक है, कैसा होता है, फिरोजी। तांबे की MIG वेल्डिंग के लिए सबसे प्राथमिकता दी जाने वाली शील्ड गैस कौन सी है, शील्डिंग गैस कौन सी हो जाएगी, तो 51 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हीलियम हो जाएगी। ठीक है, तो हीलियम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन है, वेल्ड बीड की आकृति तथा आकार की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, 52 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वेल्ड जाली का प्रयोग कर देंगे। हर्ट्ज की इकाई क्या हो जाएगी, तो हर्ट्ज की इकाई जो होती है सभी साथी जानते हुए 53 का वो हो जाएगा आवृत्ति, यानी कि फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, ठंडी की गई TIG वेल्डिंग टार्च अधिकतम खाली करंट ले सकती है, तो कितना मतलब ले जा सकती है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 54 का, आप लोग कह देंगे 200 एम्पियर। ठीक है, ए ऑप्शन 54 का। क्वेश्चन नंबर, प्लाज्मा की तीव्रता वेग द्वारा मापा जा सकता है, तो क्या मापा जा सकता है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 55 का हमारा सही ऑप्शन, यानी कि हम सभी नाप सकते हैं, जो भी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए हुए हैं वो सभी नाप सकते हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जब खालिस्तान वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है तो फ्लक्स की आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है, आप लोग कह देंगे सर SAW की आवश्यकता होती है, SAW की आवश्यकता होती है। खालिस्तान स्टेनलेस स्टील के में आमतौर पर क्रोमियम तथा गिलेट का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो आप लोग बता देंगे इसका जो प्रतिशत होता है वो ए, 18% तो क्रोमियम होता है, 8% गिलेट होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 57 का हो जाएगा। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया आमतौर पर तेज़ी से की जा सकती है, तो कौन सी की जा सकती है, 58 का हमारा सही ऑप्शन है बी वाली, MIG प्रक्रिया तेज़ी से की जा सकती है, कौन सी, MIG। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, थर्मित वेल्डिंग में मूलतः खाली स्थान शामिल है, क्या शामिल है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 59 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि इसका कह सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया, बी ऑप्शन। आई क्वेश्चन है, AWS का मतलब पूछा गया है, अच्छा इसका फुल फॉर्म पूछा गया है 60 का, तो आप लोग कह देंगे सर अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, बहुत शानदार। चलिए आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, बहु जोड़ वेल्डिंग में जमा हुआ पहला जोड़ खाली स्थान कहलाता है, तो वो पहला जो जोड़ होता है उसे बोलते हैं क्या, जड़ जोड़ बोलते हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, मोटी बेलनाकार खंडों के किनारे को किनारे की तैयारी के बिना खाली स्थान द्वारा वेल्ड किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 62 का हमारा बी ऑप्शन, घर्षण वेल्डिंग, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जांच का तरीका जिसमें ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है, तो किसमें होता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 63 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 63 का क्या लगा दोगे आप, 63 का आप लोग कहेंगे सर 63 का बी हो जाएगा। एक मिनट। तो आप बी ऑप्शन लगा देंगे, अल्ट्रासोनिक जांच। नीचे दिए गए चित्र प्लाज्मा आर्क काटने की प्रक्रिया दर्शाता है, इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रोड क्या है, ये आप डायग्राम देख सकते हो, बताना है, तो कौन सा है वो हमें बताना है, तो आप लोग कह देंगे सर इसमें टंगस्टन होता है, क्या, टंगस्टन। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई वेल्डिंग प्रक्रिया खालिस्तान पहचान करें, चलिए बताइए कौन सी है, 65 का आप लोग बता दीजिए, तो आप लोग कहेंगे घर्षण वेल्डिंग। MIG वेल्डिंग के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 66 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, आर्क दृश्य नहीं है। निम्नलिखित
में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन दहन में सहायक है? तो कौन सी हो जाएगी? 67 का हमारा ए ऑप्शन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दहन में सहायक होगी। खालिस्तान का प्रयोग आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क विकिरण और चिंगारी से वेल्डर की आंखों और चेहरे की सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग करेंगे? 68 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हम करेंगे वेल्डिंग हैंड स्क्रीन जो होता है ना, हैंड मुंह पे लगाने वाला, उससे। निम्नलिखित में से किस धातु को ऑक्सीएसिटिलीन गैस कर्तन प्रक्रिया द्वारा काटा जा सकता है? तो किसके द्वारा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में 60 वो हो जाएगा, यानी मृदु इस्पात, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? तो 70 का आप लोग लगा दोगे सी, यानी कि ऑक्सीएसिटिलीन गैस, यानी कि इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा। पदार्थ का गुण जो इसके माध्यम से गुजरने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है, तो कौन करता है? वो हमारा सिर को सिर करता है, कौन? 71 का आप लोग लगा दोगे बी, यानी कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कर देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे? आप लोग कह देंगे सर हम कर देंगे इसमें सी ऑप्शन, यानी कि अपचाई वाला ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वे डीसी वेल्डिंग जनरेटर का एक हिस्सा है? तो आप लोग कह देंगे 73 का वो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी आर्मेचर कंप्यूटर और योग, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वेल्डिंग दोष की पहचान करें, ऐसे ये बताना है कौन सा। यहाँ पर देख सकते हो ना डायग्राम 74 नंबर को, बताइए 74 नंबर का आप देख के जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे दरार, यहाँ पर दिख रही है दरार, दिख रही है वो, सॉरी दरार ये हो जाएगा, एक मिनट, सी वाला, तो ये दिख रही दरार, मैं आपको दरार भी दिखा दूँ, ये रही दरार, ठीक है। 74 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए, उदासीन ज्वाला के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक कथन बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा, 75 का। तो आप लोग कहेंगे सर इसका तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सभी हमारा सही हो जाएंगे, बाकी जो दिए हुए हैं वो हमारा सभी सही हो जाएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन, जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी होती है? 76 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, एसिटिलीन, ठीक है ए ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा एक सुरक्षा उपकरण जिसका प्रयोग गैस वेल्डिंग में संयंत्र किया जाता है? तो 77 का हमारा सही ऑप्शन है ए, फ्लैश वेक अरेस्टर। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग होता है तो कैसा होता है? तो आप लोग बता देंगे, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा काला होता है। कैसा होता है? काला होता है, आपने देखे होंगे। गैस नियामक का कार्य है, तो गैस नियामक का क्या कार्य है वो हमें बताना है, तो 79 का जो सही है डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कार्यकारी दाव को सेट करना, डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। गैस वेल्डिंग फुकनी का नोजल किस धातु से बना होता है? तो किसका बना होता है? 80 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी का, तांबे का बना होता है, ठीक है। चलिए 80 का बी ऑप्शन। चलिए, तांबा की ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में किस प्रकार की ज्वाला का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का किया जाता है? 81 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि न्यूट्रल ज्वाला का किया जाता है। एल्यूमिनियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? 82 का हमारा सही ऑप्शन होगा डी, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे दोनों तीनों सही है, तो डी ऑप्शन 82 का आप बिना सोच समझे लगा दोगे। ज़्यादातर डी ऑप्शन देखा जाए हमारा सही निकलता है, तो आप लोग एग्जाम में आ जाए तो बिना सोच समझे लेगा। पीतल तांबा और खालिस्तान मिश्र धातु है, तो पीतल जो है तांबा और मिश्र धातु किसकी है? पीतल जो है तांबा और किसकी? आप लोग कह देंगे सर ये तांबा जो है वो, यानी कि जस्ता, तांबा और जस्ता जो है मिलकर ही पीतल बनता है। अगला क्वेश्चन है, पाइप एल्बो जोड़ में पाइप किनारे के प्रोफाइल बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग कहेंगे हम सर हम करेंगे, यानी कि समांतर रेखा विकास विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, इलेक्ट्रोड की अमेरिकन कोडिंग जो है ER 1718 में संख्या 1718 का तीसरा अंक खालिस्तान को इंगित करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ करता है हमारे वेल्डिंग की स्थिति को, वेल्डिंग की स्थिति यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, हल्के लेपित इलेक्ट्रोड के लिए गालक लेपन घटक का मान होता है, तो कितना होता है? तो 86 का हमारा सही ऑप्शन है ए, यानी कि 1.25 से लेके 1.3 ए ऑप्शन।
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ब्रेजिंग में गालक के रूप में किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, बोरेक्स और वेरिक एसिड दोनों का, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि कह सकते हैं सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, दिए गए उपकरण है यार, ये तो सभी लोग बता देंगे, बिल्कुल। ये क्वेश्चन आप क्या करना, हमें अगर आपने आईटीआई की है बिल्डर से, तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो भी हो, 88 का जो भी हो, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, सी और डी में से कोई एक है, अपना नाम और कमेंट जरूर कर देना, इसका ये आंसर है, बिल्कुल समझ जाएंगे, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर ली। नीचे दिए गए आकृति के संदर्भ में पाइप की वेल्डिंग स्थिति का नाम बताएं। तो आप कहेंगे सर ये जो है ना वेल्डिंग पाइप की, आप कहेंगे इसका नाम वो 89 का, आप कहेंगे 6G। कौन सी है 6G? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा पाइप वेल्डिंग की एक स्थिति है? तो हम कह देंगे यार ये सभी हो जाएंगे 90 का, डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, 90 तक हो गए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, वेल्डिंग प्रचालन से पहले जब को गर्म करना खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? आप लोग कह देंगे ये पूर्व तापन के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, एक पूर्ण वेल्डिंग प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव होता है? तो आप लोग कहेंगे सर ये पूर्ण अवयव जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, कि हम कह देंगे डी ऑप्शन, ये सभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन ढलवा लोहा का एक प्रकार नहीं है? एक नहीं है ढलवा लोहा का, तो आप लोग फटाक से लगा देंगे पीला और ढलवा लोहा, पीला ढलवा लोहा नहीं होगा। चलिए WPS में W तो आपका क्या है, WPS में जो हमारा WPS एक ऐप वो एप्लीकेशन होता है WPS भी, तो उसमें WPS का अभिप्राय क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे 94 का सर, उसे बोलते हैं क्या 94 का, आप लोग सी ऑप्शन लगा रहे, वेल्डिंग, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कौन सा शब्द वेल्डिंग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो वेल्डिंग से, रुको, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वेल्डिंग से संबंधित है? अच्छा ये है, अभी मैंने आपको बताया ना अभी 94, तो 94-95 क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि सभी हो जाएंगे, ठीक है, डी ऑप्शन 95 का, ये तो सभी लोग बता सकते हैं ये क्या है, सभी लोग बता देंगे स्टील रूल है, या हम कह सकते पटरी है हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो स्टील रूल थोड़ा अच्छा नाम इसका, इसलिए स्टील की होती है। चलिए आगे देखते हैं, खालिस्तान GTAW को वेल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? तो सर बताएं 97 का, आप लोग बोलें सर TIG के रूप में भी जाना जाता है, किसको, GTAW को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा नाम पूछा है, तो 98 का आप लोग बोलेंगे सर इसका नाम MAG वेल्डिंग कहा जाता है, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, MAG, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग के सेटअप के लिए मूल उपकरण है? तो आप लोग कहेंगे सर 99 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमारे सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन 99 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग सेट का कौन सा हिस्सा तार इलेक्ट्रोड की गति को नियंत्रित करता है और वेल्डिंग धारा को गैस प्रवाह के पथ पर प्रदान करता है? तो सर आप लोग कह देंगे सर इसका सही आंसर 100 का हो जाएगा, बी ऑप्शन, वायर फीडर एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 101, निम्नलिखित में से कौन MIG वेल्डिंग का लाभ है? तो सर जो लाभ है वो हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे डी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि हमारे क्या हो जाएंगे इसके सभी सही हो जाएंगे 101 के। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 आ चुके हैं, MIG वेल्डिंग टॉर्च के संपर्क टिप बनाने में किस धातु को मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सर हम जो मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, आप लोग कह देंगे 102 का, हम करेंगे किसका, तांबे का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MIG वेल्डिंग में निम्नलिखित में किस धातु का अंतरण मोड़ को डिप अंतरण भी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं, तो इससे हम कहते हैं राइट ऑप्शन वो हो जाएगा बी ऑप्शन, लघु परिपथ अंतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाले तार इलेक्ट्रोड का चयन किस कारक पर निर्भर करेगा? तो ये निर्भर करेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ बी नंबर पर, वेल्ड की जाने वाले धातु का संयोजन पर निर्भर करेगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग MIG वेल्डिंग में किया जाता है? तो आप लोग कहेंगे सर जो अक्रिय गैस होती है हम उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि आर्गन का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, FCAW से क्या अभिप्राय है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो 106 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी हम कह सकते हैं फ्लक्स कॉर्डेड आर्क वेल्डिंग, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चित्र में बताना है वेल्डिंग में कौन सा दोष है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छे से देख लो 107 का। अब आप लोग बोलोगे सर इसे बोलते हैं छिद्रता, छिद्रता एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, 108,
टीआईजी वेल्डिंग मशीन में उपलब्ध उच्च आवृत्ति इकाई का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन जो है सर, आप लोग कहेंगे 108 का, वो हो जाएगा आर्क को प्रारंभ करना। चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग का नाम बताइए, ये वेल्डिंग रही। अब ये बताना है ये कौन सी वेल्डिंग है, तो आप लोग बोलेंगे इसे टीआईजी वेल्डिंग बोलते हैं, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टीआईजी वेल्डिंग की सरल ध्रुवता को ताप का खाली स्थान कितना परसेंट इलेक्ट्रोड के सिरे पर जाता है, तो आप लोग बोलेंगे 110 का सही ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि 30 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले टॉर्च का गैस नोजल खाली स्थान बना होता है, तो किसका बना होता है? 111 का हमारा सही डी ऑप्शन यानी सिरेमिक का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। टंगस्टन इलेक्ट्रोड के लिए एक मानक रंग संकेत होता है, शुद्ध टंगस्टन को खाली स्थान रंग से चिन्हित किया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 112 का हरा होता है। क्या? हरा। आर्क सिलेंडर का रंग कैसा होता है? जो आर्क सिलेंडर गैस के होते हैं उनका जो रंग होता है, आप लोग कहेंगे सर मोर पंखनी, यानी हम कह सकते हैं मोर पंखी नीला। क्या हो जाएगा? मोर पंखी नीला इसका सही आंसर हो जाएगा 113 का। चलिए आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 114 नंबर। क्या कह रहा है वो? चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग जोड़ की पहचान करें। तो पहचान करना है ये कौन सा जोड़ है, और आपने बहुत बार किया भी होगा आईटीआई में, वो हो जाएगा टी जोड़। क्या बोलते हैं इसे? टी जोड़। प्रैक्टिकल में ज़्यादातर यही करवाते हैं, नए नए जब स्टूडेंट होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फ्लक्स टीआईजी वेल्डिंग का लाभ है, तो वो हो जाएगा यानी कि निम्न विरूपण और निम्न ऊष्मा के साथ बेहतर अंतर्वेशन, यानी सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में टीआईजी वेल्डिंग में अंडरकट का कारण क्या है, तो क्या हो जाएगा? तो आप लोग कह देंगे सर 116 का हो जाएगा बी ऑप्शन, बहुत अधिक वेल्डिंग धारा। अगला क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताएं, तो ये रही, इसमें बताना कौन सी हो जाएगी, तो 117 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, निजमित आर्क वेल्डिंग सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा कटिंग का लाभ है, वो हमें बताना है। तो निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मा कटिंग का लाभ है, तो आप लोग कहेंगे सर 118 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जितने भी इसमें डी ऑप्शन आ रहे हैं वो सभी हमारे सही हो रहे हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक ठोस अवस्था वेल्डिंग प्रक्रिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन सही नहीं होगा डी ऑप्शन, इसमें सही नहीं होगा। थोड़ा सा पहली बार 119 में पहली बार हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा घर्षण वेल्डिंग, थोड़ा सा अब यहाँ पे हो गया एक क्वेश्चन पहली बार मिला है। आमतौर पर किस प्रकार की वेल्डिंग जोड़ को घर्षण वेल्डिंग द्वारा बनाया जा सकता है, तो आप लोग कहेंगे सर 120 का हो जाएगा सी ऑप्शन, बट जोड़। ठीक है, क्या हो जाएगा? बट जोड़ हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, कौन सा इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का उपकरण है, तो 121 का डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखो निकल गया हमारा सही ऑप्शन, शांति जल शीतक और इलेक्ट्रोड गाइडलाइन, एकदम सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया का एक प्रकार है, तो आप लोग बोलेंगे 122 का सर हो जाएगा सी ऑप्शन, सब स्पॉट वेल्डिंग सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, रॉकवेल और वीर नेल परीक्षण की सहायता से पदार्थ के किस गुण का परीक्षण किया जा सकता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 123 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन कठोरता, यानी कि 123 का ए ऑप्शन। आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अविनाशात्मक परीक्षण है, तो 124 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन। गामा किरणें द्वारा निर्मित होती हैं, तो गामा किरणें किसके द्वारा निर्मित होती हैं, तो आप लोग कहेंगे सर ये होती हैं कोबाल्ट 60 के द्वारा होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे लेवल 2। निम्नलिखित में से क्या एक वेल्ड बीड को समतल करना है, तो वेल्ड बीड को समतल करना मतलब वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन आर्क की लंबाई बढ़ती है डी ऑप्शन। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में कंडेंसर लगा होता है जिससे खाली स्थान में सुधार हो सके, तो आप बोलेंगे पावर कारक में सुधार हो सके, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वेल्डिंग से पहले प्लेटों को प्रभावी रूप से गर्म करना खाली स्थान करता है, तो कौन करता है, तो आप लोग बोलेंगे सर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 3 का ए ऑप्शन
ठंडा करना के समय वृद्धि, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका तीसरे का हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है ईस 7018 कोडिंग में सभी स्थितियां क्या दर्शाती हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चार का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि एक दर्शाती है, क्या एक। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में वेल्डिंग के दौरान पाइप नहीं घूम रहा है और यह 36 की ओर 45 डिग्री झुका हुआ है, तो वो क्या है, कौन सा मतलब जी होगा। तो आप लोग बोलेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 6G है। आगे देखेंगे, जो कि लेवल वन में मैंने आपको बताया भी था, वेल्ड जोड़ में स्लैग समावेशन को निषिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई क्या है, कौन सी कार्रवाई हो जाएगी। तो आप लोग कह देंगे सर मूल धातु की सतह से दूषित पदार्थों को हटाना, ये हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी वाला। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन नीचे दिया गया चित्र गैस से प्लेट को काटा हुआ एक्स अंतर को कहा जाता है, तो 7 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यानी कि केफर, केफर यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख 36 अधोलंब तथा सिर के ऊपर क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 8 का सी ऑप्शन, सतह तनाव होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एसिटिलीन सिलेंडर्स खाली स्थान से भीगे हुए झरझरे सामान से भरे होते हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का बी ऑप्शन, यानी कि एसीटोन बी ऑप्शन। इनमें से क्या गैस रेगुलेटर को संभालने का सुरक्षित तरीका है, संभालने का सबसे सुरक्षित तरीका जो हो जाएगा 10 का हमारा, वो हो जाएगा रिसाव की जांच के लिए साबुन का घोल प्रयोग करना, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गैस इनमें से क्या गैस वेल्डिंग के लिए उपलब्ध फ्लक्स का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो 11 का हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, कोयल, कोयल इसका सही आंसर। इनमें से कौन सा एक टांकने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गर्म का तरने का सही तरीका नहीं है, तो आप लोग कह देंगे सर इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ताप की कमी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कास्ट आयरन के संबंध में इनमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 का ए बी ऑप्शन, यानी कि इससे आसानी से गाड़ा जा सकता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का बी। इलेक्ट्रोड को कोडिंग में रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड खाली स्थान अक्षर द्वारा दर्शाए जाते हैं, तो किसके द्वारा, आप लोग कह देंगे बी ऑप्शन, यानी कि एक्स द्वारा दर्शाए जाते हैं, किसके द्वारा, एक्स द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, वेल्ड धातु में इन गैसों में से किस एक की उपस्थिति का घातक प्रभाव क्रैक आना है, तो हाइड्रोजन किसका हो जाएगा, यानी कि इसका क्रैक आना है, तो 15 का आप लोग लगा देंगे हाइड्रोजन। रेगुलेटर के साथ सिलेंडर जोड़ने से पहले वाल्व खाली स्थान होना चाहिए, तो वाल्व जो होता है वाल्व इसका, वो हमेशा याद रखना समय थोड़ा सा खुला होना चाहिए तथा तत्काल बंद कर देना चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, सी 16 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, डीसी के साथ आर्क वेल्डिंग के दौरान गलत ध्रुवाभिसारिता का प्रयोग किया जा सकता है, क्या हो सकता है, तो 17 का हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रवेश खराब होगा तथा बहुत अधिक छींटे होंगी, तो इसका आप लोग बी ऑप्शन लगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न चित्र में सही क्रम में बाएं से दाएं धातु हस्तांतरण के तरीके का नाम दें, मतलब क्या हो जाएगा सही है, 18 का आप लोग लगा देंगे डी ऑप्शन, सर्किट शॉर्ट सर्किट गोलाकार स्प्रे, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्रम में। नीचे दिया गया चित्र MIG वेल्डिंग द्वारा दो छेदन पैटर्न दिखाता है, बाईं ओर बीड और दाईं ओर बीड के लिए, तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा 19 का, ये रहे ऑप्शन, आप लोग कह दोगे 19 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। वाई बीड कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन प्लस आर्गन दर्शाएगा और वाई बीड जो है वो शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड दर्शाएगा, टफ क्वेश्चन है, रट लेना इसको, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, वैकल्पिक करंट के साथ एल्यूमिनियम वेल्ड करने के लिए टी टी वो जी टी एड डब्ल्यू का प्रयोग
GTAdW का प्रयोग उपयोग करते समय टंगस्टन इलेक्ट्रोड की नोक पर क्या होगा? तो नोक पर हमेशा याद रखना वो हो जाएगा सी, यानी कि नोक पर गोल होता है। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बीस का सी। GTAdW में टंगस्टन का प्रयोग इलेक्ट्रोड के रूप में क्यों किया जाता है, किस लिए करते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का, आप लोग लगा देना ए। इसका गलनांक अधिक है इसलिए इसका प्रयोग कर देते हैं। नीचे दिया गया चित्र डाई प्रवेश टेस्ट दर्शाता है कौन सी कार्रवाई विघटन में व्याप्ति करती है? तो कौन सी करती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कौशिकता, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वेल्ड की रेडियोग्राफिक जांच में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 23 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग कहेंगे सर सी का करते हैं, बीटा किरणें तथा एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील की TIG वेल्डिंग के लिए कभी कभी आर्गन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, इसका क्या लाभ है? इसका क्या लाभ है वो हमें बताना है। तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 24 का सी। क्या हो जाएगा? 24 का सी, यानी कि ताप अंतरित में सुधार तथा वेल्डिंग की तेज़ी से की जा सकती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। 24-25 नंबर पे आ चुके हैं, धातु जो अपने भीतर से एक्सरे को पार होना अनुमति नहीं करती है वह क्या होती है? तो कौन सी नहीं होती है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि सीसा। ठीक है, सीसा हमारा सही हो जाएगा। आमतौर पर इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग किस स्थिति में की जाती है? तो आप लोग कहेंगे सर जो हो जाएगा 26 का अधोलंब, अधोलंब इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो को पूरा अगर आपने देख लिया तो मैं आपसे बोला एंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी क्वालिफाई तो हो ही जाएगी। नीचे दिए गए चित्र MIG वेल्डिंग की तीन तकनीकों को दर्शाता है, इनमें बाएं से दाएं क्रम लगाना है। तो लगा दीजिए 27 का, आप लोग लगा देंगे ए ऑप्शन, धकेल देंगे फिर नोक अधोल कर देंगे फिर खींच देंगे, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये रहा, MIG वेल्डिंग में किस प्रकार की त्रुटि आ सकती है यदि बड़ा वेल्ड पोखर जमा हो जाए? तो आप लोग कहेंगे सर 28 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विलय की कमी हो जाएगी, विलय की कमी हो जाएगी। भाई साहब नीचे दिए गए चित्र TIG वेल्डिंग में इस्तेमाल टंगस्टन का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, यहाँ पर आप देख लो पहले, अब हमें बताना कौन सा है। तो आप बोलेंगे कि बी वाला, कौन सा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये रहा, घर्षण हल चल वेल्डिंग में किस प्रकार की फिलर सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सर इसमें हम करते हैं कोई नहीं, किसी का भी इनमें से उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। किसका? थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर, नीचे दिए गए वेल्डिंग प्रक्रिया विषय में क्या एक सत्य नहीं है? तो देख लो आप जल्दी से क्या एक सत्य नहीं है, पढ़ लो जल्दी से। तो पढ़ लिया होगा आपने, तो आप लगाएंगे यह अत्यधिक विरूपण करता है, तो यही हमारा सत्य नहीं है, बाकी हमारे क्या हो जाएंगे? सभी सत्य हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वेल्डमेंट में दीर्घकरण का प्रतिशत जानने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? आप लोग कह देंगे सर 32 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, तन्यता परीक्षण का प्रयोग करेंगे। किसका? तन्यता परीक्षण का। आगे देखेंगे, जलमग्न आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए करने वाला प्रचलित घटक कौन सा हो जाएगा? वो घटक होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ, यानी कि उसे बोलते हैं वेल्डिंग वोल्टेज घटक होता है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में संदरता त्रुटि को हटाने के लिए किसे संयोजित किया जाना होता है? तो किसको? तो आप बोलेंगे 34 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि नाभीय स्थिति केंद्र प्रवाह। 34 नंबर 35 नंबर पर आ चुके हैं, चित्र में दर्शाए गए वेल्ड जोड़ की पहचान करें। तो 35 में बताना कौन सा वेल्ड जोड़ है, तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लैब जोड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैब जोड़ बोलते हैं। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में AC को DC आपूर्ति में कौन सी मशीन बदलती है? तो आप लोग बोलेंगे सर 36 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वेल्डिंग रेक्टिफायर होती है। कौन सी? वेल्डिंग रेक्टिफायर होती है। आगे देखेंगे, सरल ध्रुवता को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है वो हमें बताना है। तो 37 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा बी, यानी कि ये वाला, ये हो जाएगा DCEN। निम्नलिखित में से कौन लंबी आर्क का प्रभाव है? तो कौन सा हो जाएगा वो हमें बताना है। तो लंबी आर्क का प्रभाव जो है 38 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अधिक क्षेत्राव हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। केंद्र वेल्ड केंद्र की लंबाई
के माध्यम से गुजरने वाला एक काल्पनिक रेखा को रूप में जाना जाता है। तो काल्पनिक रेखा को हम 39 के रूप में 39 नंबर जो हो जाएगा वो वेल्ड अक्ष के रूप में जाना जाता है। किसके? वेल्ड अक्ष के रूप में जाना जाता है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 39 का डी हो गया, आगे देखते हैं। जब आर्क चुंबकीय बाधा के कारण अपने नियमित पथ से भटक जाती है तो इसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं 40 का हमारा सही ऑप्शन, उसे बोलते हैं आर्क ग्लो बोलते हैं जब वो भटक जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दोष वेल्ड में गैस के फंसने से होता है? तो कौन सा दोष है जो वेल्ड में फंस जाता है? तो आप लोग कहेंगे सर वो हो जाएगा हमारा 41 का सही ऑप्शन, छिद्रता। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, क्या कह रहा है आप देख लो, पढ़ लीजिए जल्दी से, पढ़ लीजिए 42 नंबर। तो आपने पढ़ लिया होगा 42 नंबर क्वेश्चन। वो कह रहा है एसिटिलीन की एक मात्रा के पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो सर वो हमारी होती है 2.5 यानी ढाई होती है। चलिए, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के दहन में लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्पन्न होता है? तो आप लोग सीधा इसका आंसर लगा देंगे इसमें 31 से लेकर 33 यानी कि 3100 से लेकर 3300 होती है। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 का सी। एसिटिलीन गैस शोधक में फिल्टर वूल खाली स्थान को अलग करती है, तो किसके द्वारा अलग करती है? तो 44 का हमारा सही ऑप्शन है वी, चूना धूल। गैस वेल्डिंग में गालक का एक कार्य खाली स्थान होता है, तो किसका होता है? तो 45 का सही ऑप्शन ई हो जाएगा, धातु ऑक्साइड को हटाने के लिए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वामावर्त वेल्डिंग तकनीकों को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आग्रेसिव तकनीकी की कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग में वेल्ड क्षय को रोकने के लिए किस प्रकार की पूरक छड़ का चयन किया जाना चाहिए? तो किस प्रकार की? 47 का सही ऑप्शन है ए, कोलंबियम आधार का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका प्रयोग पाइप की गैस वेल्डिंग में किया जाता है? तो किसका प्रयोग करेंगे? 48 का हमारा सही ऑप्शन है सी, यानी कि स्पार्क लाइटर का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है ब्रोजिंग में प्रयुक्त पूरक धातु का तरल तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है? तो आप बोलेंगे 49 का बी ऑप्शन सही होगा, 4500 होता है, वो 450 होता है, बी ऑप्शन 49 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, पाइप वेल्डिंग के लिए नोजल का चयन खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो 50 का हमारा सही ऑप्शन है बी, यानी पाइप भित्ति की मोटाई पर निर्भर करता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी एक पाइप वेल्डिंग प्रक्रिया है? तो पाइप वेल्डिंग प्रक्रिया जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सी ऑप्शन, यानी कि अप हिल और डाउन हिल वेल्डिंग दोनों होती है। चलिए 52 नंबर भी देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सीम वेल्ड के लिए वेल्ड प्रतीक क्या होता है? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये मिसप्रिंट है इसलिए इसको कट कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, ढलवा लोहे की वेल्डिंग में पश्चात धातुमल ऑक्साइड को हटाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? आप सीधा बोल देंगे हम सर्व करेंगे किसका, वायर ब्रश का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, कार्बन वेल्डिंग में किस प्रकार की शक्ति स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे सर हम स्थिर वोल्टेज का प्रयोग करेंगे, किसका? स्थिर वोल्टेज का प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फुहार अंतरण मोड के लिए अनुशंसित सिस्टक आउट का मान क्या है? तो आप लोग कहेंगे ये मान जो होता है ना 55 का बुड्ढी ऑप्शन हो जाएगा, 13 से 25 mm होता है। चलिए आगे देखते हैं, FCAW में निक्षेपण दक्षता सामान्यता के बीच होती है, तो किसके बीच होती है? तो 56 का हमारा सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि 86 से लेकर 86% होती है। ठीक है, FCAW में निक्षेपण दक्षता कितनी होती है? तो 80 से 86%। आगे क्वेश्चन, TIG वेल्ड में किस प्रकार की शक्ति स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो आप बोल देंगे सीधा सीधे 57 का लगा देंगे, बी ऑप्शन, स्थिर धारा का यानी कि स्थिर करंट का। ठीक है, कॉन्स्टेंस करंट का प्रयोग करेंगे। TIG वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रोड धारा वो धारण करता है? तो कौन सा करता है? आप लोग बोलेंगे 58 का वो करता है हमारा बी ऑप्शन, कोलिट करता है। कौन करता है? कोलिट। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध टंगस्टन का जो गलनांक है वो लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो आप बोलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3380 होता है, 3380 होता है। अब कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, हीलियम क्या है, एक रंगहीन गैस है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 60 का वो, सॉरी आर्गन भी एक रंगहीन गैस है, आर और सही बात है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका सही है, सॉरी डी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन देखते हैं 61 से,
यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली तो बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम आपके अच्छे से क्वालिफाई होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम। एक टाइप में हवा को एसी गैस के साथ बदलने की प्रक्रिया को वेल्ड के मूल के साथ प्रक्रिया नहीं करेगी उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो 61 का राइट ऑप्शन होगा बी, उसे फॉर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्जिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्क वेल्डिंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो 62 का हमारा सही ऑप्शन है सी, यानी कि वेल्डिंग सिरोपरि स्थिति की जा सकती है, सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, प्लाज्मा कटिंग की प्रक्रिया मूल रूप से एक कटिंग प्रक्रिया है, तो कौन सी है वो हमें इसमें बतानी है। रासायनिक यांत्रिक तापीय विकिरण, तो कौन सी हो जाएगी? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 63 का, अगर तापीय लगा रहे हैं तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उस वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कार्यखंड को तीव्र एक वर्णी प्रकाश की संकीर्ण किरण से पिघलाया जा सकता है और जोड़ा जा सकता है, तो वो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या थर्मेट वेल्डिंग। तो सही आंसर इसका 64 का अगर आप लगा रहे हो बी, लेजर बीम वेल्डिंग सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग एक परीक्षण गैस के बिना निर्वात में की जाती है? तो निर्वात में लेज़र इलेक्ट्रॉन बीम, लेज़र वो इलेक्ट्रॉन या लेज़र वाली या टेस्ट टंगस्टन या थर्मिस्ट, तो कौन सी की जाती है? आप लोग कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रयोग की जाती है, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक थर्मिट वेल्डिंग में स्लैग के रूप में उत्पन्न होता है? तो कौन होता है? लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड, सिलिका। तो इन सभी ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा 66 का बी ऑप्शन, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और हाँ, वो क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना जो मैंने आपको बताया था, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? आप हमारा नाम और कमेंट करें। निम्नलिखित में किसे आसानी से फ्लैश बट वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्ड किया जाता है? ढलवा, लोहा, लीड, पीतल, मृदु धातुपात। तो आप लोग कहेंगे सर इसका 67 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी मृदु इस्पात का प्रयोग करेंगे, ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। और आप इस वीडियो को पूरा अगर रोजाना देखते हो एक घंटे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा साथियों, जरूर। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथ में, ठीक है? चलिए, जिस परीक्षण में नमूना को तोड़े बिना परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विश्लेषणात्मक, अविनाशमत, तनन या अर्धविनाशमत, क्या कहेंगे? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 68 का बी ऑप्शन, अविनाशमात्मक परीक्षण, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डाई पेनिट्रेट परीक्षण में पेनिट्रेट दरार में खाली स्थान क्रिया द्वारा गुजरता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 69 का ए ऑप्शन, यानी कि कोशिकत इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नीचे दिए गए उपकरण का नाम बताना है कौन सा है, बताइए, टिप क्लीनर, स्पार्क लाइटर, वेल्ड गेज या फिर इनमें से कोई नहीं? 70 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसे बोलते हैं वेल्ड गेज, वेल्ड गेज। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको इसमें 200 क्वेश्चन से ज़्यादा करवाए, 200 में से आपके, मैं कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन तो इस वीडियो से देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट बहुत जल्द मैं लेके आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तभी आप लोगों को वीडियो मिलेगी, और साथ में इसको बेल आइकन भी दबा लेना। और हाँ, 2023 में रेलवे लोको पायलट की भी वैकेंसी आ रही है, उसकी भी आपको तैयारी करवाएंगे मैथ रीजनिंग की बहुत ही शानदार तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।